नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज हम मैलार मंडल के मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर कुंड है जो काफी बड़ा है और इसका पानी बड़ा स्वच्छ है। और भी ऐसे कई कुंड है इस मंदिर के इर्द गिर्द, ये काफी उनमें बड़ा है। भक्त लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और तत्पश्चात भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मंदिर जाने का रास्ता, कुछ बच्चे अपना भविष्य देख रहे हैं, कुछ लोग भक्ति भाव से डोरी हाथ को बंध रहे हैं। ये देखिए घुंघड़ी जो बकरों के बालों से बनी जाती है, इसे घुंघड़ी कहते हैं। कुछ आइटम मंदिर की पूजा के सामान, जैसे नारियल, हल्दी, यहाँ पे बहुत महत्व है हल्दी का, टर्मरिक का बहुत विशेष महत्व है। हल्दी और कोबरा, ये भगवान को चढ़ाया जाता है। ये देखिए शॉप में हाथ के काले तागे, भगवान की मूर्तियाँ, बच्चों के खिलौने, हर भक्ति भाव के लोगों के लिए उनके मन की इच्छा अनुसार सामान मिलता है। ये देखिए भगवान का मंदिर का मेन दरवाजा। दोस्तों, यह कहा जाता है शास्त्र अनुसार भगवान शिव ने मैलार मल्लन्ना का रूप धारण करके वो राक्षसों को पछाड़ दिया। भगवान शिव के रूप है मैलार मल्लन्ना, जिनको खंडोबा भी कहा जाता है। इस मंदिर की बनावट देखिए कितनी सुंदर है। ये विजयनगर के सिटी ऑफ विक्टोरिया उस दौर में बनाई गई आर्किटेक्चर है, जबकि भाषाएं कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल किया जाता था उस दौर में। ये रथ जिसपे भगवान की प्रतिमा को रखकर प्रदक्षिणा डालते हैं, शेषनाग की मूर्ति मंदिर। यहाँ के मंदिर की बनावट देखिए, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो कुर्बास कम्युनिटी के माध्यम से पूजा की जाती है। देखिए कितने सुंदर मंदिर, इसके पिल्लर। हर भक्त यहाँ आ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन कैमरा यहाँ अंदर तक अलाउ नहीं है। ये देखिए दर्शन कर रहे हैं भक्त लोग, भगवान खंडोबा कुछ घर के भी भगवान हैं, जिसे हम कुल देवता कहते हैं। ये देखिए मंदिर की परिसर, कितना सुंदर परिसर। हल्दी और खोबरे से मंदिर को पूरा छिड़का जाता है और भगवान के दर्शन किए जाते हैं, प्रदक्षिणा डाली जाती है। ये है ज्योति स्तंभ, जहाँ पे दिया जलाया जाते हैं, भगवान को आरती की जाती है। ये जो स्थान है भक्तगण के लिए बैठने के लिए, भक्ति भाव से पूजा करने के लिए, आहार तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर का दृश्य इतना सुंदर। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको पीछे बाजू, वो जो है खाना बनाने की जगह है। जो भक्तगण दूर दूर से आते हैं, उनको आहार बनाने के लिए जगह की गई है। छोटे छोटे रूम्स भी बनाए गए हैं जो उनको ठहरने के लिए भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। दोस्तों, ये मंदिर परिसर काफी बड़ा है। मंदिर की दीवारें
जो भक्तगण अपना टिफिन लेके आते हैं यहाँ बैठकर वो खाना खाते हैं मंदिर परिसर में और भगवान खंडोबा का नाम स्मरण करते हैं और उनके नाम का भोजन ग्रहण करके जल ग्रहण करके फिर अपनी अपनी यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों, ये मंदिर का परिसर है, रहने के लिए रूम्स है, सारी उपलब्ध है, यहाँ पर आने जाने की सहूलत भी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।